रामगढ़ उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच बताया जा रहा है, लेकिन वहां के घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। कल तक झारखंड पार्टी वहां तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आज झारखंड पार्टी के उम्मीदवार संतोष महतो को मायावती के बहुजन समाज पार्टी और जन भागीदारी पार्टी का समर्थन मिल गया है। संतोष महतो के साथ आंदोलनकारी छात्रों का एक गुट भी है। इसके अलावा वीआईपी भी समर्थन दे सकती है और इसका कारण है आजसू और कांग्रेस का परिवारवाद। चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने समय में काफी काम किए होंगे, लोग उनको तीन तीन बार वहां जितवाए। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, वहां की जनता ने उनको नकार दिया। एक संघर्षशील महिला ममता देवी, सिर्फ एक आंदोलन के चलते उनको लोगों ने जो विधायक बनाया। 3 वर्षों में उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ, लोग वहाँ के लोग उनसे भी त्रस्त रहे। जो माननीय विधायिका थी ममता देवी, उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में अगर सजा हो गई ममता देवी को तो उनके पति योग्य हो गए चुनाव लड़ने के लिए? ये सरासर परिवारवाद है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। झारखंड पार्टी अगर परिवारवाद, बेरोजगारी, नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस और झामुमो का दावा है कि वो रामगढ़ को माफिया राज से बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता कहते हैं कि 2019 से पहले रामगढ़ में एक परिवार माफिया की तरह काम कर रहा था। देखिए, रामगढ़ में एक ही मुद्दा है, वर्षों से जिस तरीके से माफिया का रूप धारण कर चुके हैं वहाँ के नेता, जो कि सत्ता से झारखंड अलग होने के बाद वहाँ काबिज रहे, विधायक रहे और हर सरकार में मंत्री रहे एक को छोड़कर। आज वो माफिया है, कोई नेता मंत्री विधायक के ऊपर की चीज़ है। इस तरह के कृत्य को अंजाम देकर ऐसे काम हो रहे हैं सिर्फ बस वहाँ आजसू के जो सांसद हैं उनके इशारे पर। ऐसे कृत्य को अंजाम देकर जीत के अंतर को और ज़्यादा बढ़ाने का काम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे और ज़्यादा गोलबंदी होगी, लामबंदी होगी हमारे पक्ष में। इधर आजसू का दावा है कि जब से चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ से दूर हुए हैं, यहां का विकास ठप हो गया है। चंद्रप्रकाश चौधरी अपने द्वारा किए गए काम गिनवा रहे हैं। इसके अलावा वे कहते हैं कि भाजपा आजसू के साथ आने से यहां एनडीए वोट एकजुट हुआ है। 3 सालों से बीते जो कोई कार्य नहीं हुआ, और पिछले 18 साल से पहले आप लोग देखे होंगे कि क्या था रामगढ़ का, कितने विकास किए हमारे माननीय सांसद सीपी चौधरी जी ने, उन्हीं विकासों को लेकर मुझे समर्थन मिल रहा है। यही रामगढ़ की धरती ने इतिहास रचा है। जब बाबूलाल मरांडी जी को एनडीए गठबंधन हुआ था उसमें चंद्रप्रकाश चौधरी जी का समर्थन प्राप्त था, भाजपा चुनाव जीती थी। इस बार भाजपा मदद करेगा और चंद्रप्रकाश चौधरी जी की पत्नी श्रीमती सुनीता चौधरी जी चुनाव जीतेगी। गवर्नमेंट 3 साल की ये गवर्नमेंट गलत मुद्दों के साथ, गलत वायदों के साथ जो गवर्नमेंट आई है, जो वायदों को चाहे वो नीतिगत हो चाहे डेवलपमेंट के हो, किसी वायदे पर एक भी वायदा पूरा गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर नहीं किया। साथ ही साथ इस प्रदेश को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में बहुत पीछे ढकेल दिया। असुरक्षित और सुरक्षा का मामला आम जन में बना हुआ है, महिलाओं में खासकर इतनी घटनाएं हो रही है, अराजकता की स्थिति है, हर टेबल पर अराजकता की स्थिति है। आप देख लो किसी पैमाने पर हम कहीं भी एक सीढ़ी भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रामगढ़ में मुकाबला वक्त गुजरने के साथ त्रिकोणीय होता दिख रहा है। लोग बताते हैं कि जीत तो आजसू या कांग्रेस में से किसी एक की ही होगी, लेकिन झारखंड पार्टी के संतोष महतो कितना वोट लाते हैं इस पर ही दोनों प्रमुख गठबंधनों की जीत या हार निर्भर करती है। समाचार प्लस के लिए अंजनी कुमार की रिपोर्ट।